अलवर सरिस्का वन क्षेत्र में पिछले चार महीने से टाइग्रेस ST5 के गायब होने से न सिर्फ वन प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है बल्कि वन क्षेत्र में शिकारियों के फिर से सक्रिय होने का भी अंदेशा नजर आता है। पिछले दिनों ST11 की मौत की गुत्थी अभी भी पूरी तरह खुली नहीं और ST5 को ढूंढने में दिन रात एक करने के बावजूद उसका भी कोई सुराग नहीं लग पा रहा। वन्य जीव प्रेमी इससे हताश हैं और वो मानते हैं कि ST5 की भी मौत हो चुकी है और वन विभाग सिर्फ लीपापोती करने में लगा है। ST5 और ST11 एक ऐसा जोड़ा माना जाता था जो अक्सर साथ रहते थे, दोनों के सिर्फ यादें बची हैं। सरिस्का वन क्षेत्र इस समय लगभग 1230 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। विश्व पटल पर इसकी पहचान सरिस्का टाइगर सेंचुरी के नाम से है। 2004 से पहले यहाँ करीब 40 से ज्यादा बाघ बाघिन होते थे और यहाँ पर्यटकों की रौनक देखते ही बनती थी, लेकिन शिकारियों की घुसपैठ के चलते एक एक कर सारे बाघ मार दिए गए और सरिस्का बाघ विहीन हो गया। यहाँ कभी सैलानियों की भरमार होती थी, वह एकदम वीरान हो गया और पर्यटकों का आना भी रुक गया। आखिर 2008 में रणथंबोर से बाघों को ट्रंकुलाइज कर अभिनव प्रयोग करते हुए सरिस्का शिफ्ट किया गया। धीरे धीरे सरिस्का की फिर रौनक पड़ने लगी। सरिस्का में करीब 881 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया और 222 वर्ग किलोमीटर बफर जोन है। यहाँ इन दिनों 14 बाघ बाघिन और शावक थे, लेकिन इसमें से 2 टाइगर की मौत हो चुकी है और टाइग्रेस ST5 चार महीने से लापता है। लेकिन वन्य जीव प्रेमियों द्वारा संभावना जताई जा रही है कि ST5 की भी मौत हो चुकी है। देखिए, निश्चित रूप से जिस समय यह गायब हुई, यानी कि जनवरी का जो महीना है, जो लास्ट वीकेंड जनवरी के, और उसके बाद से डिपार्टमेंट के ग्राउंड जो टीम थी वहाँ उनकी लापरवाही तो बिल्कुल है। साथ में WII जो मॉनिटरिंग करते थे टाइगर्स की, उनकी भी लापरवाही है कि उन्होंने सही सूचना सही समय पर नहीं दी और उसके बाद जो है ऑन रिकॉर्ड जो है टाइग्रेस चलती रही रिकॉर्ड्स के अंदर, फिर अचानक से एक पता चला कि कहीं भी नहीं दिख रही है, उसके कहीं पगमार्क नहीं आ रहे किसी वाटर होल पे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा सर्च अभियान इसमें चलाया गया जिसमें हम भी शामिल थे। और निश्चित तौर पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस समय से अब तक काफ़ी मेहनत करी है इसको खोजने में। लगभग सारे एरिए देख लिए गए, लेकिन जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारी उम्मीद से, और 70 या 100 जनों का स्टाफ कुछ नहीं इसमें ज़्यादा कर सकता। ये 500 आदमी कम से कम होने चाहिए और टाइग्रेस नहीं मिल रही है कहीं पे भी टेक्निकली। और एज अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी सब देखा, हमने भी देखा, टेक्निकली तो टाइगर हमारे हिसाब से जीवित नहीं है। और कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा कि जो कैमरा ट्रैप लगाए गए NTCA के प्रोटोकॉल पर अगर इसमें कहीं आ जाती है तो, हालांकि ये बहुत नामुमकिन सी चीज़ है, तो ये बहुत चमत्कार होगा। वैसे टाइग्रेस नहीं है क्योंकि ST5 और ST11 लगभग एक साल से एक साथ थे, इनमें मेटिंग भी हुई और दोनों एक ही एरिया में थे, अच्छे से दोनों के अंदर बाउंडिंग थी, और अचानक से जैसे ही 5 खो जाती है तो उसी दौरान जो है 11 का जो ट्रैकिंग रिकॉर्ड है वो भी विचलित कर देने वाला है, यानी कि बहुत लंबे चक्कर लगाने लग गया। और जिस इलाके में वो मरा पाया गया है वो इलाका भी उसका नहीं था, पहले कभी उस एरिया में नहीं गया था, अचानक से उस एरिया में क्यों गया, क्या रीज़न है कि सिग्नल उसी दिशा में आ रहे हैं अब कॉलर के जो कि 5 के बताए जाते हैं, तो कोई ना कोई रीज़न तो है, इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए। क्या वो मानसिक रूप से परेशान था, क्योंकि अगर कोई जोड़ा साथ रह रहा है तो उसको स्मेल एक दूसरे की आती है, और अगर टाइग्रेस कहीं गायब हुई, जहाँ से भी गायब हुई, और तो वो टाइगर बार बार वहाँ जाएगा, बार बार उसके रिकॉर्ड को चेक करिए, आपकी 11 किधर गया, किस नाले में ज़्यादा रुका उसके गायब होने के बाद, अगर कहीं उसको दबा रखा है जंगल के अंदर किसी संदिग्ध लोगों के द्वारा, तो ST11 वहाँ जरूर गया होगा और उसकी तलाश करी होगी, क्योंकि स्मेल टाइगर को आएगी। वहीं पूर्व वन्यजीव प्रतिपालक नरेंद्र सिंह राठौड़ का मानना है कि ST5 मिसिंग नहीं है और उसे मार दिया गया है, क्योंकि 4 महीने में कहीं कोई पग मार्क उसके नहीं मिलना, इससे लगता है कि उसे मार दिया गया है और प्रशासन भ्रमित कर रहा है। देखिए, ST5 लगातार 2 महीने तक पहले गायब हुई थी, तभी हमारा एक डेलीगेशन बालाजी करी से DFO से मिला था कि ST5 को ढूंढने में आपने जो प्रयास किए हैं वो सफल नहीं है। हमारी ये मान्यता है कि ST5 कहीं कहीं मिसिंग नहीं है, मार दी गई है, उसके मार करके डिस्प्लेस कर दिया गया है ताकि उसका अवशेष भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी नहीं। मैं खुद एक NGO का अध्यक्ष हूँ, नेशनल वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी का, उसके नाते हमारी टीम ने भी इसमें सर्च में भाग लिया काफ़ी, रूटकला क्रासका डाबली और सुकोआ, इसमें हमारी टीम ने सर्च किया काफ़ी, लेकिन उसके कहीं अवशेष नहीं मिले। अद्भुत बात तो यह है कि अगर कोई जानवर मार दिया जाता भी है, सपोज करो शिकारियों द्वारा भी मार दिया गया,
तो उसके अवशेष भी तो होने चाहिए कहीं कहीं, वो भी नहीं मिले इनको कहीं। या फिर टाइगर, ये कहते रहे कि टाइगर ने बच्चे दिए इस वजह से वो हाइड एंड सीख खेल रही है, बीच में छिपी हुई है कहीं। तो दो महीने तक जब वो हाइड एंड सीख खेल रही बच्चों को लेकर के, तो उसने क्या खाया, कहाँ पानी पिया, इसका इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। उधर वन प्रशासन से एसीएफ सज्जन सिंह का कहना है कि बाघों की निगरानी में लगे कैमरों को कल उतरवाया है, उम्मीद है कि उसमें कुछ फुटेज ST5 के भी मिल जाए। हमने NTCA के प्रोटोकॉल के हिसाब से 2x2 ग्रिड में कैमरे लगाए पूरे सर्विस का हम, और प्रोटोकॉल के हिसाब से कल से हमने कैमरों को हटाना शुरू कर दिया है। सभी कैमरों की जो भी फोटोग्राफ्स जो भी हैं वो हम इकट्ठे कर रहे हैं, और लगभग एक वीक तक ये प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद जी जो जो फोटोएँ कैमरे में आई हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे कि किस किस टाइगर की या किस किस एनिमल की किस किस जगह लोकेशन आई है, तो कोई साक्ष्य हो सकता है कि उसमें हमें मिल जाए।